आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ हक्का नूडल्स की रेसिपी, चिंग्स हक्का नूडल्स आज मैं बनाऊँगी चिंग्स फ्लेवर में, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। और चिंग्स के सारे मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, आप कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी चल रहा है लॉकडाउन, तो लॉकडाउन में बाहर का खाना तो बिल्कुल खाना नहीं है, तो बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं तो उनको तो खिलाना है, तो आप ज़रूर इस वेज हक्का नूडल्स चिंग्स फ्लेवर को बना के खिलाइए और आपको कैसा लगा बताइएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं। और जो वीडियो के नीचे लाइक का बटन होता है उसको जरूर क्लिक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ। चिंग्स हक्का नूडल्स के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बड़ी भगोने में आपको लेना है वाटर और उसमें बॉयल आ जाए तो हमें साल्ट और ऑयल ऐड कर देना। ये हमने नूडल्स यूज़ किया है तो इसको हमें उबलते हुए पानी में डालना है। आप इसको तोड़ के डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है और ये लगभग 15 मिनट में हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो हम इसे छान लेंगे और छानकर इसको हम फ्रेश वाटर से धो लेंगे। अब हम इधर कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में और हाई फ्लेम पे हमें ये बनाना है क्योंकि चाइनीज़ रेसिपी सारी हाई फ्लेम में बनाई जाती हैं, तभी उसमें टेस्ट आता है, नहीं तो टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने अनियन ऐड कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे हमने जिंजर इसमें ग्रेट किया हुआ ऐड किया है, आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स का यूज़ किया है, कैप्सिकम, कैबेज और कैरेट का। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, इधर हमारे अनियन भी भून रही है और थोड़ा हमें चलाते रहना है। और कैरेट को हमें सबसे पहले ऐड करना है क्योंकि कैरेट को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, थोड़ा सा हल्का सा ही करना है। उसके बाद जब हम इसको थोड़ा सा कर लेंगे सौते, उसके बाद फिर इसके अंदर हमें ऐड करना है कैप्सिकम। तो यहाँ पे मैंने कैप्सिकम को लॉन्ग में काटा हुआ है, अगर आप चाहें तो छोटे छोटे भी कर सकते हैं। और तो यहाँ पे मैंने इसको भी कर दिया है और ये मैं हाई फ्लेम पे ही कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने डार्क सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, इन तीनों का यूज़ किया है और मसाले का चिंग्स का। तो यहाँ पे मैंने अभी कैबेज को भी डाल दिया है और यहाँ पे मैंने थोड़ा साल्ट ऐड किया है ताकि हमारे जो वेजिटेबल्स है उसके अंदर भी अच्छे से साल्ट आ जाए, तो हमें थोड़ा साल्ट ऐड कर देना चाहिए पहले। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मैंने ऐड कर रही हूँ चिली सॉस, और यहाँ पे मैंने जो सॉस लिए हैं और सोया सॉस, तो इन सब सॉसों को मैं डाल दूँगी। सॉस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से ऐड किया है। और उसके बाद यहाँ पे हमने टोमेटो केचप ऐड किया है 2 चम्मच, इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने विनेगर का यूज किया है। और मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये सारे सॉसेस पहले ऐड करेंगे तो आपके जो नूडल्स हैं वो चिपकेंगे नहीं। तो पहले कोई लोग होते हैं कि वो बाद में सॉस को ऐड करते हैं, तो वो ठीक नहीं रहता। आप पहले सॉस को कर लीजिए, उसके बाद आप नूडल्स जो आपने बॉईल करके रखा है वो आप कर दीजिए। और अगर हो सके, अगर आपके पास टाइम है, तो जो नूडल्स हैं उसको धोने के बाद पंखे के नीचे भी आप रख सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे नूडल्स एकदम अलग अलग बनेंगे और चिपकेंगे नहीं। यहाँ पे मैंने चिंग्स मसाला का यूज किया है, तो यहाँ पे 1 चम्मच का मैंने यूज किया है, इससे जो टेस्ट है वो एकदम दुगुना हो जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसका फ्राइड राइस मसाला भी आता है, वो भी बहुत टेस्टी होता है, तो मुझे तो बहुत पसंद है, आप ट्राई करके देखना कैसा आपको उसका टेस्ट लगता है। तो यहाँ पर हमारे नूडल्स रेडी हो गए हैं, तो मैं सर्व कर ली हूँ। तो फ्रेंड्स, है ना एकदम आसान घर में बनाना नूडल्स, और लगता है कि कैसे बनेगा, और आप बहुत आसानी से आप घर में बना के बच्चों को खिला सकते हैं, और आप इसको कभी भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, स्नैक्स में खा सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स फैमिली में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए आपको रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू।